अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। आज के सेक्शन में जो है आपके ऑनवर्ड्स हम करेंगे 2.5 एक्सरसाइज। कल हमने लास्ट टाइम जो है आपके 6 पार्ट कंप्लीट करी थे, आज हम इसके ऑनवर्ड्स जो है 4 पार्ट्स और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के जो है हम फर्स्ट 2 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो मैं इनमें कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, कुछ आप जो है वो होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा, कुछ नोट्स भी किए हुए हैं आप खुद से समझ लेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल समझाऊंगा उसी तरीके से आपको फॉलो करके करना है यहाँ पर आपके काम। कल आपको मैंने जो किया आपको कम्यूटेटिव लॉ जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बताया था, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मैंने कुछ जिक्र किया था, उसी को यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे आपका 2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट में है आपका स्टूडेंट्स 7 में दिया हुआ है। आप एम्प्टी बॉक्सेस को फिल आउट करना है। 3 × 2 × 5 = और हमें तीनों जगह पे जो है आपको एम्प्टी बॉक्सेस दिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक, एम्प्टी बॉक्स मल्टीप्लाई का साइन और एम्प्टी बॉक्स उसमें समय देखेंगे दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स, इसको फिल आउट करना है। चलो मैं एक और पार्ट भी लिख देता हूँ साथ में, फिर एक साथ कर लेते हैं। 1 क्या है, 1 × एम्प्टी बॉक्स माइनस एम्प्टी बॉक्स इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स मल्टीप्लाई 11 माइनस एम्प्टी बॉक्स मल्टीप्लाई 12। जी हाँ फ्रेंड्स, ये लिखा गया है और ये दो पार्ट्स और लिख लेते हैं इसके। 9th पार्ट है एम्प्टी बॉक्स मल्टीप्लाई ब्रैकेट 11 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 2 × 11 और फिर आपको एम्प्टी बॉक्स दिए हुए हैं। और लास्ट वाला पार्ट है इसका 9 × एम्प्टी बॉक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स 5 प्लस एम्प्टी बॉक्स मल्टीप्लाई एम्प्टी बॉक्स। क्या सर ये सब कुछ आपको दिए हैं, इसे एम्प्टी बॉक्स फिल आउट करने के लिए इस तरह फिल आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो है लॉस। देखिए फ्रेंड्स, हमने करना क्या है यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर 3 नंबर जो है यहाँ पर 3, 2 और 5 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और देखिए यहाँ ब्रैकेट लगाई गई 2 और 5 को फर्स्ट मल्टीप्लाई किया हुआ। तो यहाँ ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब 3 नंबर्स ऐड हो रहे होते थे किसी भी ऑर्डर में, फर्स्ट नंबर्स को कोई फर्स्ट नंबर्स को ऐड कर सकते हैं लेकिन यहाँ से फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो 3 यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ यूज किया गया, यहाँ पर 2 और 5 को पहले मल्टीप्लाई किया गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन यहाँ पर आप ब्रैकेट में ही कर लें इज इक्वल टू में, क्योंकि किसी भी दो नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं एसोसिएटिव लॉ में। तो इस तरह से ब्रैकेट में आप 3 और 2 आ जाएंगे, इस तरह से फिर ये फिल आउट होने के बॉक्सेस 3 और 2 के साथ, और बाद में फिर आप 5 लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एसोसिएटिव लॉ यूज करके हमने ये एम्प्टी बॉक्सेस को फिल आउट कर लिया। किस तरह से, क्योंकि इसमें 2 और 5 फर्स्ट मल्टीप्लाई किए गए, तो जाहिर है इज इक्वल टू में क्या होगा, 3 और 2 को फर्स्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से 2 आप थिंकिंग कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने के, इसी को हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, इस तरह से एडिशन के साथ भी ऐसे ही होता है। अब देखिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, 1 जो मल्टीप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस नंबर पे, यहां पर ये कुछ लिखा हुआ और इस नंबर के दरमियान में जो है वो सबट्रैक्शन का साइन है इज इक्वल टू, देखिए यहां पर उसे छोड़ दिया है, अब 11 है मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 12, इसका मतलब 1 × 11 = 12 देखिए यहाँ पर 11 और 9 को फर्स्ट मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ 2 और 11 को फर्स्ट मल्टीप्लाई किया गया, तो इसका मतलब आप देखिए नोट करें यहाँ पर टोटल 3 नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2, 9 और 11, तो जो यहाँ पर जो नहीं है तो जाहिर बात है वो दूसरा नंबर ऑपोजिट नंबर ही होगा इसका, तो यहाँ पर 9 और 11 है इसका मतलब ऑपोजिट नंबर फिर जो बच गया 2 ही होना, फिर और यहाँ 2 और 11 इसका मतलब जो बचा नंबर वो जाहिर बात 9 होगा। इस तरह से हमने जो है वो इनका भी फिल आउट कर दिया, और ये एसोसिएटिव लॉ है, कई दो कोई दो नंबर को आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से 9 का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस नंबर के ऊपर भी, वहाँ पर है एम्प्टी छोड़ा हुआ है और प्लस 4 है, तो हमें कहाँ से पता लगेगा, वहाँ यहाँ से पता लगेगा, देखिए यहाँ एम्प्टी बॉक्स है मल्टीप्लाई 5 है या एम्प्टी बॉक्स छोड़ दी है दोनों में,
तो 9 क्या है इस नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और इस नंबर के साथ नहीं, यहां पर उसने दिया लेकिन यहां पर लेकर सिर्फ 5 दे दिया, इसका मतलब अंडरस्कोर है यहां पर 5 आएगा। और उसने ये भी बताया कि यहां पर किस नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ, हमें यहां से पता है कि 9 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 5 के ऊपर, तो ये ऑब्वियसली यहां 9 आएगा। और अभी देखिए उसने दोनों बॉक्सेस यहां छोड़ दिए मल्टीप्लाई का साइन लगा के, 9 जो है आपको पता है 4 के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 9 मल्टीप्लाई 4 होना था एक्चुअली, तो इस तरह से 9 और 4 यहां भी आ गए। इस तरह से आपने जो है वो एम्प्टी बॉक्सेस को फिल आउट कर देना है। तो ये तो थे आपके जो है वो एम्प्टी बॉक्सेस फिलिंग वाले विद हेल्प ऑफ लॉज। अब जो है चलिए हम इसका ऑनवर्ड्स करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट टू पार्ट्स, इसमें हमने वही जैसे आपने 2.3 की थी कंडीशन के लिहाज से आप लॉज बुक किए थे, यहां पर जो है हम आपके मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से लॉज जो है वो प्रूफ करेंगे। और हमने बताना है, हमने प्रूफ करना है और आइडेंटिफाई करना है कि लॉज कौन से दिए हुए हैं। फ्रेंड्स हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट टू पार्ट देखते हैं हम यहां पर। फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट है 3+2 और ये है 2+3, इसको वेरी प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। और सेकंड है 1 × 3 × 2 = 1 × 3 × 2, तो हमें स्टूडेंट्स जो है वो अप्रूव करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लॉ यहाँ पर जो है वो यूज किया गया है। स्टूडेंट देखिए ये दो नंबर्स ऐड किए गए हैं, फ्रेंड्स दो नंबर ऐड किए किसी भी ऑर्डर में, 3+2 है और ये 2+3 है, इट मीन ये कम्यूटेटिव डाल है, हमने 2.3 में भी किया था, तो ये कम्यूटेटिव डाल है। पहले प्रूव करते हैं कि ये वेरीफाई होता भी है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को भी निकाल दें, राइट हैंड साइड को भी निकाल लें कितना आंसर आता है। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन ही सॉल्व कर रहा हूं यहां पर, ठीक है सॉल्यूशन में क्या आएगा वेरिफिकेशन आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है यहां पर आप लिखते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है तो यहां वेरिफिकेशन हो रही है। तो देखिए 3+2 भी 5 होता है और 2+3 भी जो है वो 5 भी होता है, तो वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है राइट हैंड साइड। और ला कौन सा यूज किया गया है यहां पर, ठीक है आपका ला कौन सा है वो है कम्यूटेटिव ला, कौन सा ला स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव ला, ठीक है स्टूडेंट्स इस तरह से जो है आप इसको वेरीफाई करते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए मैंने वेरिफिकेशन कर दी है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड और मैंने ला बता दिया है कम्यूटेटिव ला है, क्योंकि ये दो नंबर्स किसी भी ऑर्डर में ऐड हो जाएगा, 3 नंबर ऐड हो जाते हैं क्योंकि मैं कहता हूं एसोसिएटिव ला, क्योंकि एसोसिएटिव में 3 नंबर्स होते हैं। अब यहां देखिए मल्टीप्लाई का साइन नजर आ रहा है और 3 नंबर्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली जब 3 नंबर्स हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो ऑब्वियसली वो एसोसिएटिव ला होते हैं, 3 नंबर्स आए तो एसोसिएटिव होते हैं, तो साइन देखते हैं कौन सा है, प्लस का है तो फिर एसोसिएटिव ला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो फिर एसोसिएटिव ला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से देखेंगे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लेकिन हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं पहले, तो वेरिफिकेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो 1 × 3 × 2 और 1 × 3 × 2 एक साथ साथ वेरीफाई कर लेते हैं, 3 × 2 6 होता है मल्टीप्लाई 1 और 1 × 3 × 2 ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड। और आपका लॉ कौन सा है एसोसिएटिव लॉ, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स इससे आप लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन डाला है आप मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, ये WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू मैंने कहा है यहां पर, ठीक है और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस तरह स्टूडेंट्स आप इसको कर सकते हैं, वेरीफाई भी करते हैं और लॉ भी बता दें कौन सा है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह से जो है आप रीड करेंगे बाकी पार्ट्स भी, बल्कि मैंने सारी कर दी आपको, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे ऑनवर्ड्स स्टार्ट